सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, स्क्रिप्ट भी बिल्कुल रेडी थी, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था कि कहाँ किस तरह बात करनी है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन करके बैठा तो तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। यार दाने नजर आ रहे हैं इसमें तो। तो बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बात कैसे कर लेते हैं। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग तो देखा ही होगा। तो ये चीज़ें अपने एक टाइम पे जाके बिल्ड होती हैं। अगर आप सोच लो कि मैं पहले व्लॉग में ऐसे पब्लिक में जाके तेज़ आवाज़ से बात कर रहा हूँ कि सब लोग मुझे देख रहे हो और मुझे कोई परवाह ना हो, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड करते हो या आराम आराम से। तो देखो, अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट मज़ेदार है और अगर तुम्हें बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शायद शायद तुम्हारी स्टोरी टेलिंग। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्टोरी टेलिंग इज़ द कॉन्फिडेंस। किसी भी स्टोरी टेलर के लिए कहानी बताने का तरीका बहुत अहम किरदार रखता है, वरना बिना कॉन्फिडेंस की बातें किसी इमोशनलेस मूवी की तरह होती हैं। तो इसलिए आपके बात करने में थोड़े इमोशंस होने चाहिए, ताकि जो एक कनेक्शन है ऑडियंस और क्रिएटर के दरमियान, वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो सके। और एक और बात याद रखो कि किसी भी स्टोरी को लोगों तक पहुँचाने के लिए सिर्फ लिखने या बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर क्या करें? मेक विजुअल्स योर फ्रेंड। सिनेमैटिक विजुअल्स आपकी स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। ठीक है, अगर कुछ जगह बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, उसको फिजिकली करके दिखा दो, क्योंकि एक छोटा सा सिनेमैटिक पार्ट भी हजार लफ्ज़ों के बराबर होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैंने अपना कॉन्फिडेंस इस तरह इम्प्रूव किया है कि बस मैं फ़ोन का कैमरा ऑन करके बातें करता रहता था, ताकि मेरे बोलने में जो कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं वो इम्प्रूव हो सके। तो आपसे जितना हो सके बस कैमरा ऑन करो और कुछ भी बोलो, इससे आपका कॉन्फिडेंस 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो भैया जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई नो कि वीडियो काफ़ी छोटी थी, बट फिक्र ना करो, वीडियो की लेंथ में बढ़ा लेंगे, क्योंकि एकदम से थोड़ा ऊपर कदम रखने में मुँह के बल बिगड़ सकता है। फिर नहीं कहना कि याद हो गया अब सबको। फोकस कर ले भाई, फोकस। हेलो, इधर फोकस। कहाँ करा हुआ फोकस? अबे मैनुअल हुआ भाई। तो